ईस्ट प्राची सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। प्राची जी, बड़ा दुखद हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत की खबर है आपके पास अभी तक, क्या इसको लेकर जानकारी मिली है? कितने पुरुष थे, कितनी महिला थी, कितने लोग अभी गंभीर घायल हैं, क्या आसपास कोई और लोग भी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा हो, कितनी राहत पहुंचाई गई अभी तक? जी, ये जहाँ तक अभी रिपोर्टिंग हुई है, ये 2:30 बजे के लगभग की घटना है जब ये दीवार गिरी है, और हम लोग को लगभग 3:30 से 4 के बीच में सूचना मिली थी 112 के द्वारा। जब वहाँ मौके पर हम लोग पहुंचे तो फायर टेंडर की टीम वहाँ पहले सबसे पहले पहुंची थी, और फायर टेंडर और साथ में जो लोकल थाना था, हमारा कैंट थाना लगता है, हमारे इंस्पेक्टर और पूरी टीम की वहाँ पहुंची थी। ये जो लोग मरे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे जो दीवार है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसी दीवार से सरकार से इन्होंने अपनी वो बनाई थी जो टेम्परेरी अपार्टमेंट होती है, उसी के अंदर ये लोग लेटे हुए थे, और छोटे छोटे ही ये दीवार उनके ऊपर गिरी है। मेनी ड्यू टू लैंडस्लाइड, क्योंकि बहुत हैवी रेन हो रही है लखनऊ में, जिसकी वजह से दीवार गिरी है। और अभी मौके से जो रिलीफ ऑपरेशन चला वहाँ पे, सब लोग पहुंचे, सभी अधिकारी पहुंचे, और एनडीआरएफ की टीम आई थी, आर्मी की सिक्योरिटी की टीम आई थी वहाँ पे, क्योंकि पूरा कैंट एरिया है और कैंट की ही एरिया जो आर्मी एरिया है वहीं की दीवार को बना रहे थे, तो उनकी सभी टीम आई वहाँ पे। और इसके अलावा जब एक एक करके बॉडी दिखी तो उसमें अभी तक जो फिगर्स हैं वो के पास, उसमें 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं, बच्चे बहुत छोटे थे, और जो 4 पुरुषों में से एक है जो अभी जिंदा है, जिनको सबसे पहले निकाला गया था क्योंकि उनका सर बाहर था मलबे के बाहर, तो इसलिए वो बच गया, बाकी सब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। सभी को तत्काल सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है, जो बचे हुए जो आदमी बचा हुआ है उसका अभियान वगैरह लिया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है, और इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो इन्हीं के गांव के हैं, वो जस्ट रोड से उस पार रहते थे, तो फिर उन्होंने सबसे पहले सूचना दी, उन्होंने सारी चीजें हम लोग को बताई कि यहाँ 10 लोग थे, और उसके बाद अभी तक 10 के अलावा और किसी की बॉडी की खबर नहीं आई है वहाँ से। अभी भी वहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है, ज्यादातर हटाया ही जा चुका है, थोड़ा बहुत वहाँ बचा है, और इसके अलावा 10 से आगे गिनती नहीं चली अभी तक। प्राची जी, आप बता रहे हैं कि 3:30 बजे जब आपको घटना की जानकारी मिली तो टीमें वहां पर पहुंच गई थी, तो जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो क्या जिन लोगों की मौत की खबर है सबकी जान जा चुकी थी, या फिर उनको बचाने की भी कोशिश की गई, कुछ लोग जिंदा थे, अस्पताल पहुंचाया गया होगा, या बाद में उनकी मौत हुई, ऐसी कोई जानकारी? उसमें जो एक जिसकी जान बची है वो चिल्ला रहा था, उसके ऊपर दीवार गिर रही थी, उसका सर बाहर था, तो इसके अलावा वो इतना नीचे आ गई थी दीवार की सफोकेशन से ही, लोग इसमें अगर डरे भी होंगे तो सफोकेशन से ही मर गए होंगे। हम लोग जब एक एक करके हटा रहे थे तो उस समय जो भी बॉडी निकली है वो मरी ही नहीं निकली है, तो जिंदा नहीं बाहर निकला इसके अलावा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें कि 3 महिला बताई जा रही हैं, 4 पुरुष बताए जा रहे हैं, 3 बच्चों की मौत की भी खबर है। तो इस तरीके से ये जो पूरा आंकड़ा है 10 लोगों का है, जिसमें कि 9 की जान जा चुकी है, एक शख्स जिसका सर बाहर निकला हुआ था, पूरी जानकारी दी है प्राची जी ने, उनकी ओर से कहना है कि उस शख्स को बचा लिया गया है अस्पताल में, बहरहाल वो भर्ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।